लाइक राउंड टू हेल वाले उस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए था. Hey everyone, welcome back to my channel. This is Illumi Girl, and today I'm going to react on Round to Hell video, and this video is Finding Diamond. Okay, so इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है जो कि आई थिंक टिकटॉक को टारगेट करके ऐसा कुछ बनाया था या ऐसा कुछ था, पता नहीं, लाइक हाँ शायद ऐसे कुछ था. जो भी था, इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से कई लोग ऑफेंड हो गए थे, जिसके अंदर शायद है ना किसी, लाइक मैं नाम नहीं लूँगी, आई नो किसके बारे में, उनका ऐसा लग रहा था लोगों को लाइक राउंड टू हेल वाले उस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी उसकी वजह से, क्या हुआ, लोगों ने खुद ने वो वीडियो हटा दिया यूट्यूब के ऊपर से. बट कई लोगों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया था और लोगों ने मुझे कहा कि उसके ऊपर रिएक्शन दो. बट नो गाइज, अगर वो वीडियो मेन चैनल पे नहीं है तो दैट मतलब उन लोगों की पूरी मेहनत लगी है उसके ऊपर, उन लोगों के चैनल पे नहीं है और उसके बाद में उसके ऊपर रिएक्शन देना, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ सही है. कैरी मिनाटी वाला मैंने इसलिए रखा था उस टाइम तक वीडियो क्योंकि प्रॉपर जस्टिस वाली चीज़ चल रही थी, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना चाहिए था. मुझे कई लोगों ने बोला बट मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी तो मैंने नहीं की. अगर इन लोगों के खुद के चैनल पर वो चीज़ नहीं है तो नहीं, जैसे कितने भी आए कुछ भी आए वो चीज़ मैं नहीं कर सकती. आई थिंक बहुत लंबे टाइम के बाद में राउंड टू हेल का नया वीडियो आया है एंड आई थिंक विदाउट एनी फर्दर एडियो, क्योंकि इसके ऊपर यू गाइस आर लाइक कि बस इसके ऊपर कुछ भी हो रिएक्शन दो, रिएक्शन आना चाहिए. सो आई थिंक विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. व्हाट हैपेंड? हेलो हेलो पुलिस. नहीं, मैं सीआईडी से मिस्टर दया बात कर रहा हूँ. अरे सॉरी, गलती से लग गया, मुझे पुलिस को कॉल लगाना था, एक केस था. अरे तुम्हें नहीं देना, पुलिस को देना है. नहीं, हम आपको नहीं देंगे. बेटा रुको, ये पैसे तुम हमें दो, हम तुम्हें एक का डबल करके देंगे. अभी जा अपना काम कर. सर प्लीज दे दो, सर प्लीज. मेरा नाम दया, पर कोई भोसड़ी का दया नहीं कर रहा मुझ पे. अरे दया ये खुल क्यों नहीं रही? अरे बात तो दहेज में नहीं होगी. चलो दया, कैसे हो सारे? तुम कौन? हम सीआईडी से, दया इंस्पेक्टर अभिजीत. तुमसे तो मना करा है. मना करा था क्या दया? अरे बिल्कुल नहीं. देखो मैं मना नहीं करा था, केस हमें निकल गई. आओ दया. अरे हाँ रुक जा. क्या केस है तुम्हारा, जल्दी बताइए. देखिए टाइम बहुत कम है हम लोगों को, और भी केसेस होते हैं हम पे, तो पहले उन्हें निपटा ले और हमें माफ कर. देखिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे हमारे आगे हमसे केस आप सोल्व करवाओगे उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं. दया बताओ, बताओ दे. पहला, आपको हम बेहिसाब डिस्काउंट पे केस निपटवाएंगे, और दूसरा फायदा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे. ऑन द स्पॉट एसीपी साहब फांसी की सजा सुनाएंगे. और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं. तो करा कौन दिया? ओह गॉड.
वसीम। देखो वसीम, पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं, ये सीआईडी वाले कुछ ठीक लग रहे हैं, क्यों ना इनको केस दे दें। चलो फिर दया, और भी बहुत केस है अपनों पे, तो कोई एक केस ही थोड़ी है। हाँ, टाइम बर्बाद सुन लिया। हाँ, ये केस हम आपको ही दे रहे हैं, तो हमारा केस ही है कि आज से 4 महीने पहले हमें एक डायमंड प्ले बटन मिला था यूट्यूब की तरफ से, जो कि कुरियर वाला लेकर आ रहा था। बीच में से ही किसी ने वो डायमंड प्ले बटन चुरा लिया। दिन था 17 मई, टाइम था 3:34। तब से लेकर आज तक हमारे हमारे फैंस हमें गालियां बक रहे हैं माँ बहन की। तुम्हें देखो, हमें हमारा डायमंड ला दो कैसे भी करके। तो आपको किस किस पे शक है, मुझे जरा नाम बता दीजिए उन सबके। देखो भाई, शक हमें कुछ लोगों पे है जिनके नाम तो ये केस हम 24 घंटे के अंदर अंदर निपटा देंगे। चले भैया, इसी भी साहब को भी उठाना रास्ते से। जी सर। इसी तो ओके। यही है बीबी जी का घर, दरवाजा तोड़ो। अरे मैया री, दया तो क्या हुआ? दया दया, अब वो बात नहीं रही तुम्हारे कंधे में, मुठ मारने लगे हो क्या? अबे वो बुड्ढे, वो साले बुड्ढे, खुद को तो देख ले। अबे तुझसे तो घर की डोर मेल तक न दबती। अभिजीत समझा लेते। मैं समझा रुकिए। दया बहुत गलत कह रहे हो कि सर से डोर मेल नहीं दबती। क्या 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 ना करते? थोड़ा सर अंदर की बात है ये। तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा? पैसन से आए। पैसन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हटो, दिखाता हूँ तुम्हें। हटो, आज दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी असली ताकत। दया, ये दरवाजा तीन जगह से छूटेगा, तीन जगह से। अरे ऊपर मारो। अरे सर, ये पटिया दिखा रहा हूँ। कौन था ये? ये पता ना साला कौन भिखारी है, कोई बावली गांड है? बावली गांड तो हम है, बाप बावली गांड। तुम कौन हो? हम सीआईडी से। सीआईडी यहाँ के गांड बनाने हैं? बीबी जी, हमें अंदर खाने से खबर मिली है कि आपका डायमंड प्ले बटन है। अबे कौन सा डायमंड प्ले बटन? ओ हो हो हो, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। ये कैसे बन गया? सी ओवर एक्टिंग कर रही है जी साहब की। बीबी जी, 17 मई को 3:34 पर आप कहाँ थे? घर था। अरे बताओ क्या कर रहे थे? अरे बताइए क्या कर रहे थे? बताओ बीबी जी क्या कर रहे थे आप 17 मई को? अरे बताते क्यों नहीं हो? अबे हट रहा था। मतलब तुम्हारी माँ का बोल था। निकल जाओ वहां से। बटन तो मिल गया। मिल गया बटन, मिल गया बटन दीदी जी, बहुत बड़ा बटन मिला। बाय दीदी जी। अभिजीत, क्या रिपोर्ट आई है? सर ये आपके एक्टर रिपोर्ट बता रही है कि आपका धंधा तीन जगह से टूटा। तीन जगह से? जी सर। अबे यार, हमारे पैल्विस की है, पैरों की एक्सरे लेने खड़े हुए। इस मामले में तो दया के मजे हैं। क्यों सर, दया के क्यों मजे? सर इधर देखो, इस कंधे को देख लो। अलग अलग 13 कंपनियों से इंश्योरेंस करा रखा सिर्फ कंधे का। भाई यार दया, तेरे मजे हैं भाई। अबे इसके तो फिर भी मजे हैं, मेरा इलाज कैसा होगा? मेरे पास तो फूटी कोड़ी ना। 200 रुपए? ये कहाँ से? क्या पड़ता सर, कहीं से भी आए हो? अब तो टंकी फुल होगी पैसन की।
मेरा इलाज होगा। पेट्रोल डलेगा मेरा इलाज। पेट्रोल 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 डायमंड प्ले बटन का कुछ पता नहीं है कहाँ पर है। पेट्रोल डीजल इलाज अगला नाम देखो किसका। स्कूल चलो स्कूल तुम दोनों सोच रहे होगे कि मैंने स्कूल का गेट क्यों बंद करा। क्यों? हम तो ना सोच रहे पर मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। मैंने गेट इसलिए बंद किया है संजय और सुमित जब हमसे बचकर भागते हुए आएंगे गेट पर तो गेट मिलेगा उन्हें बंद। संजय सर को तब पूछ लेंगे। दया दिमाग तो है इसी भी सर में। अभी जी सर इसे बोलते हैं माइंड। माइंड का खेल है। पर कोई नहीं तुम्हारा अभी सीखने का टाइम है तुम सीखो। मैं और अभिजीत क्लासरूम जा रहे हैं ढूंढने। दया तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। मैंने जा लिया। अबे यार दया चला जा सर से इंग्लिश ना आती। इधर आ बुड्ढे। अबे क्यों अंदर जाएगा तभी तो ऊपर संजय मिलेगा। अबे ये भोसड़ी का सबको बता देगा कि दया ही संजय। और ठीक ले एडिटिंग में तैयार दिया जा आओ सर। अरे संजय कौन है यहाँ? ये पर चोन दिया सर। ये तुम्हारा लैंड ही लग रही है। पूछे इससे संजय डायमंड कहाँ है। सर मुझे लग रही है ये इंग्लिश का टीचर है। इंग्लिश में पूछो। संजय वेयर इज अभिजीत डायमंड को इंग्लिश में क्या है। अरे सर डायमंड को डायमंड ही कहते हैं इंग्लिश में। नहीं बिल्कुल ही अनपढ़ हो जाहिल हो गवार हो सुअर हो औषधि वाला क्या हो तुम। बस अभिजीत बच्चे देख लो कितना आराम से ये वाला अभ्यास करते हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहरा है। इसका मतलब समझे अभिजीत। इसका क्या मतलब हो सकता है सर। क्या ये सुन नहीं सकता। भौसड़ी का किस बावली गांड के साथ काम कर रही हूँ। क्या कुछ नहीं सर मैं कह रहा हूँ बोर्ड पे लिख के पूछो इससे आप। ये बोलता था सर लगता नहीं कोई अब्यूजर। नॉर्मल सी लैंग्वेज लगती है। अब बता लेनी संजय। अरे सर कैसे बताता वो आपने डायमंड का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। सच में जोर से लगी होगी। हमारे एसी के साथ कहा तो ढका। अरे रुक जा मैं कह रही हूँ निकल लो। केस का क्या। अरे केस क्या गांड मराना है। प्रिंसिपल साहब ये संजय कहाँ पर है। संजय तो क्लास में पढ़ा रहा है। और सुमित लफाड़िया। सुमित लफाड़िया संजय ने उसे चांद पर पहुंचा दिया था। अभी पता चला है नासा की सैटेलाइट तक जबरदस्ती लटक कर आ गया। अच्छा सर चलता हूँ। दया आप दरवाजे तोड़ते हो ना। जी सर। तो दया वो ऊपर के दो क्लासरूम के दरवाजे तोड़ लेते। ये
200 रुपए अच्छे तोड़े तो 14-15 गेट और हैं, वो भी आपसे तोड़वाऊंगा। साहब पहली बार अपने टैलेंट में काम मिला साहब। साहब मैं काम कर दूंगा, अच्छे तोड़ू तो मुझे काम देना सर, चलता हूँ। बहन के लोड़े दया वाले टूटने हैं। किस बात पे मार दिया था सर को? अरे मुझे ना पता। डॉक्टर तारिका। अबे बहुत बुरा मारा उसे, खून की उल्टियां कर गया था। दया सर पे निपट गया हूँ संजय, मैं गया उड़ के, है ना मारा भाई साहब सुपरमैन पंच। कितना फेंकेंगे? और तो और दया उसे ये ना बताया कि किस वजह से मारा है उसे, बस मारे जा रहे। पर दर्द में तो तुम दोनों कर जा रहे। देखो दया मुठभेड़ में क्या होता है, जब दो गुट लड़ते हैं तो थोड़ी बहुत चोट दूसरे के भी लग जाती है। पर सर जब मैं स्कूल से आया संजय पहले से ज्यादा बढ़िया था। दया इतना ध्यान अगर तुम हमें ना लगा के ना केस में लगाओगे तो डायमंड हाथ में होगा, याद करो क्या मिशन है तुम्हारा। डायमंड सर, डायमंड सर, देखिए अगला नाम किसका। डंप ब्लाइंड कैट। कुछ तो गड़बड़ है, मतलब सारे कैरेक्टर्स लोग ले रहे हैं। टाइम क्यों लग रहा है, इसका मतलब समझे दया? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? ये लेट हो गए। पर कोई नहीं, आने दो इन्हें, मुझसे कोई बचा थोड़ी है जो ये लोग बचेंगे। बे हाइट कॉल आ रही है। हेलो, ठीक है आ रहे हम। किसकी कॉल है दया? क्लाइंट की कॉल है, कुछ केस में नया मोड़ है। भाई वाह, कमरा बहुत बढ़िया बनाया है। आ गए? अच्छा आ गए, बैठ जाओ। उसको सुनाई दे रहा। ओके लेट जाओ। अच्छा आ जाओ सर। अबे बैठने को बोला ना, तेल ना है मेरे पास यहाँ पे। अजीब हफ्ती इंसान है, बैठने को बोला है। भाई साहब तेल ना है। अबे सुतरी के बैठने के लिए बोल रहे हैं, बैठ जा देख ऐसा करके। वही वाह, मखमल का सोफा डलवाया है, एक नंबर। अबे लेनी थी इसकी, देने क्यों लगा? ये मुझे समझदार लग रहा। हाँ भाई, डायमंड तुमने चुराया? तू तो बोलते क्यों नहीं है, बोल। अबे ये क्या बवाल है, कुछ तो गड़बड़ है दया। दया तो गया। अबे बोल। अबे डायमंड प्ले बटन देखा है? क्यों ना देखा, हमने देखा है। नागिन की निगाह है मेरी, फोटो खींच लेता हूँ। तो बता कैसा था? देखो इतना तो बड़ा था और इतना ही मोटा था वो। मैं भालू हूँ, मैं जंगली हूँ, जो मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पर। सुअर रह गया सर। अरे सुअर भी हूँ, मुझे माफ करो, मैं चला देता। सुन ले। हाँ बता। अब कितने भी हाथ जोड़ ले, माफी मांग ले, साले बिना तेल के ही मारूंगा। वो सड़क पे चला गया। क्या इसके बारे में पहले कभी बताया? कैब कहां पर मिलेगा ये? सर इतना खतरनाक आदमी है, वो आपको एंट्री भी खतरनाक देनी पड़ेगी। लगी तो नहीं? अब पागल है क्या? मौत लगी है। Oh shit! दया, क्या मैं इधर कोई एंट्री नहीं दूंगा? हाँ सर, बहन कर दोगे वाली एंट्री? साले तूने ही कहा था एंट्री देनी है। और सर, तू मन मुट्ठी से लगाऊंगा यार एंट्री। ये आइडिया मिल गया।
अपने आप का हमारे हवाले कर दो। अच्छा दया, मुझे लग रहा है कोई ना बच्चों का डायमंड प्ले बटन देते हमें। ये मेरा बटन है, मेरी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज आए थे, ये मेरा हुआ। अरे साली कैसे ना देगा तेरा तैयार हो हम ले केस। ये एक रैप्टे में दे देगा डायमंड। ये बातचीत से भी मिल सकता है कुछ हल इस चीज का राकेश भाई। देखो समझौता कर लेते हैं, बटन हमें दे दो, शर्त बताओ आप। सर देखो दया, ये केस अपन छोड़ रहे, हम नहीं कर रहे इसे। पर क्यों सर? बहुत हार्ड केस है, आज तक के इतिहास का सीआईडी का, ये छोड़ो इसको हम नहीं कर रहे। पर सर क्यों? व्हाट समझौते में तेरी गांड मांग रहे हैं, पर दे देंगे। अबे तुझे देंगे बे साले का थप्पड़ मारूंगा। नीले रंग के आदमी, नीले रंग के आदमी 14,000 के तोड़े मैंने इससे। तू मार दिया ना, ये लाजी में मिलेगा। बस ये हमें डायमंड प्ले बटन देगा, इसका बाप मिलेगा। सर जब मैं उसे ले गया नीचे कि तेरा बाप भी डायमंड प्ले बटन देगा, तो मैंने उस पर पहले फेरी बुरी मार, मेरे हाथ में लग गई थोड़ी सी। तो सर फिर मैंने कही उससे पैंट उतार अपनी, जो पैंट उतार के सर तेरी दर्द को सर बहुत ही बुरा मारा। फिर मैंने उससे डायमंड प्ले बटन ये ऐसे ले लिया उंगली पे ही। और मैं जो गया था वो, अरे सर तुम एक ही रैप्टे में मेरे ना समझौते पे उतर आया था, अल्फाज बदल दिए थे उनने साले नीले रंग के आदमी ने। सर प्लीज यही स्टोरी रखना सबको, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्फाज अलग ना हो सर, अपने रिकॉर्ड कर लूंगा मैं और एसीपी सर को यही जागी रिपोर्ट। खतरनाक। लेकिन फाइनली लाइक दिस इज सो अमेजिंग, पहली बार किसी का ऐसा वीडियो देख रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। गाइस ये जो है डायमंड प्ले बटन, ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही हमें मिला है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ तक भी हम लोग पहुंचेंगे, वो आप लोगों ने पहुंचाया है। और ये एक सपना था सिर्फ, जो आज हकीकत हो गया है। तो फिर से थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जब डायमंड प्ले बटन की अनबॉक्सिंग की गई, मतलब इतना 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 अच्छा लग रहा था कि काश कभी ऐसा दिन आए कि वो मेरे पास में भी आए। गॉड लाइक आई नो काफी लंबा टाइम है इस चीज को, बट आई होप, मैं चाहती हूँ कि मैं इस टाइम तक रहूँ मैं यूट्यूब पर, और आई विश आप लोग भी मुझे। एनीवेज जितना भी आप लोग कर रहे ना, वो बहुत है बहुत है बहुत है, सच बता रही हूँ। डायमंड प्ले बटन लाइक ब्यूटी, जो रियल ब्यूटी होती है ना यूट्यूबर्स के लिए, वो था। वो दिखने में ही मतलब ऐसा हो रहा था कि ओ गॉड लाइक दे एक्चुअली डिजर्व दिस, सो उनको मिला। एनीवेज ओके, सब वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो बहुत ही सही बनाया है, इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स जितने भी अब तक जो जो मतलब हिट कैरेक्टर्स थे, वो सारे के सारे इस एक वीडियो के अंदर डाले हैं। जितने भी अब तक हिट वीडियोस जो दिए गए हैं, मतलब जिस भी स्टोरी के अंदर, वो सारी स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। बहुत ही दिमाग से इसकी स्क्रिप्टिंग की गई है, जिसके अंदर सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व कर दी। मतलब अनबॉक्सिंग तो था ही, मतलब एक नॉर्मल आप सोच सकते हो कि लाइक एक वीडियो बना दिया अनबॉक्सिंग का, जिसके अंदर आपको जो प्ले बटन मिला है वो आप दिखा रहे हो और उसके बारे में बता रहे हो और अपनी फीलिंग्स वगैरह सब चीजें। बट ये चीज काफी सही था, मतलब एक जो डायमंड प्ले बटन है
उसको एज अ प्रॉप, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉप के हिसाब से इस वीडियो के अंदर यूज किया है. एंड दिस इज सो इंटेलेक्चुअल गाइस. मतलब डायमंड, मुझे लग रहा था कि शायद से हो सकता है कि प्रॉपर डायमंड टाइप ऑफ डायमंड की बात करें, बट ये बात हो रही थी यूट्यूब डायमंड प्ले बटन की. एंड आई रियली लव दिस, ये मैं दिल से बोल रही हूँ, आई रियली लव दिस वीडियो, क्योंकि इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स जिन्होंने जिस जो जो वीडियोज बहुत बड़े हिट गए थे वो सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं. और संजय सर लाइक सीबीआई का कितना हो बताए, लाइक सीबीआई वालों के पास में केस ही नहीं जाते. जैसे कि अभी वो चीज हो रही थी कि सुशांत सिंह वाले केस के अंदर भी कितनी मुश्किल से सीबीआई के पास में गया था केस. मतलब लेट्स सी क्या होता है, जस्टिस मिलेगा. ओके 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 ओके. सो लाइक उसको बहुत ही कॉमेडी वे में दिखाया है राउंड टू हेल वालों. मतलब आप स्टार्टिंग में यही सोचोगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में देख रही थी तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि ये एक्चुअल में यूट्यूब प्ले बटन के बारे में बात हो रही है. सीबीआई वाला वीडियो था वो भी बहुत बड़ा हिट गया था, तो उसको मेन लेके उसके बाद में जैसे जैसे वीडियोज आगे बढ़ता गया वो सारे वीडियोज के कैरेक्टर्स भी लेते गए. इसमें बीबी जी का कैरेक्टर लिया जो कि ऑल टाइम फेवरेट है सबका. उसके बाद में संजय सर जो कि मतलब उसके बाद में संजय सर जो कि मतलब क्या बोलूं, लाइक अगर स्कूल वाला अगर वीडियो हो और उसके अंदर संजय सर ना हो, वीडियो सच में मतलब देखने का मन नहीं करे. स्कूल वाला वीडियो और राउंड टू हेल का नाम आता है ना तो सबसे पहले संजय सर का नाम आता है, क्योंकि वो बहुत बुरा मारते, बहुत ही बुरा, मतलब बहुत बुरा पीटते हैं यार बच्चों को. बट लाइक एक फनी वे में, डेफिनेटली ऐसा करना नहीं चाहिए, दिस इज सो बैड, बट ये बड़ा कॉमेडी वे में है तो आई रियली लाइक इट. उसके बाद में डम्ब एंड डैब और लास्ट में जो जिनी है उसको, तो वो भी बहुत बड़ा हिट गया था, बहुत ही बड़ा हिट गया था वाला वीडियो. सो कुछ चीजें हैं मैं उनको एडिट करूंगी, प्लीज यार समझा करो. अगर आप वो चीज वीडियो ऑलरेडी देख चुके होते हो उसके अंदर वो चीजें आप लाइक, तो मैं अगर उस चीज के ऊपर अगर रिएक्शन मैं एडिटिंग कर देती हूँ तो आई होप आप इस चीज को समझो. सो या दैट्स इट. वीडियो बहुत अच्छा था बट एट द एंड जब पता पड़ा एक्चुअल में, बट एट द एंड जब ये पता पड़ा कि डायमंड क्या है, अगर उसके सामने उनको रियल डायमंड भी दे देते, उसको भी साइड में रख के डायमंड प्ले बटन को उठाते, मतलब इतना ज्यादा प्रीशियस है एक यूट्यूबर के लिए वो प्ले बटन. एंड उसको वो दिखा जिस तरह से रहे थे वो अलग ही वाइब थी. सो बहुत अनएक्सपेक्टेड था इसका एंड, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड शॉक एंड या हाउ कुड आई फॉरगेट, शिट. कॉन्ग्रेचुलेशन राउंड टू हेल. अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आई होप आप इसी तरह से आगे तरक्की करते रहें, बहुत आगे जाएं. एंड माई विशेज आर ऑलवेज विथ यू, गुड लक. सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर गाइस एंड बाय बाय.